तो गाइज मुझे अभी अभी ईमैन का कॉल आया था और उसकी आवाज कुछ डरी डरी सी लग रही थी। प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। कुछ क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। तो चलो जल्दी से हमें ईमैन के पास निकलना है और उससे पहले हमें एक काम करना है। तो हमारे पास बहुत सारे पैसे तो आ गए और वो पैसे हमारे ऐसे ही पड़ के रखे हैं। तो हमें जाना है एक क्लब या फिर कौन सा तो बड़ा सा होटल खरीदना है और उससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारी कार्स भी ले सकते हैं। तो चलो जल्दी से हम सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, तो ईमैन भी हमें वहाँ पर ही मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से निकलते सिटी की तरफ और देखते हैं कि हमें कोई बड़ा सा क्लब या फिर होटल मिलता है क्या। तो गाइस फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बार्स और क्लब्स हैं। तो हम यहाँ पर ही आ चुके हैं, तो अपनी कार को यहाँ पर ही पार्क कर देते हैं यहाँ पर साइड में और अंदर चल के बात करते हैं उस बंदे से और देखते हैं कि वो हमें क्लब देने वाला है या नहीं देने वाला। तो हम अंदर तो आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी है और सामने तो शो चल रहा है, आप देख ही रहे हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा ये, अश्लील है ये लौंडा। तो हमें यहाँ पर उस बंदे को ढूंढना है, उस मैनेजर को, और उसे बताना है कि हमें ये क्लब चाहिए। तो हमें यहाँ पर उसे ढूंढना है और वो कहाँ पर मिलेगा ये भी नहीं पता। तो एक बार इन बंदों से पूछने से पहले हम यहाँ पर पहले ढूंढ लेते हैं कि ओके वहाँ पर एक कमरा है, तो वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर वो है या नहीं। तो ओके हम यहाँ पर तो आ चुके हैं और वो बंदा यहाँ पर भी नहीं है, तो हमें वहाँ पर जाकर एक गार्ड से पूछना पड़ेगा कि वो हमें कहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर एक गार्ड है, इसे पूछ लेते हैं। तो हमारी इस बंदे से बात तो हो चुकी है और वो कह रहा है कि उसका बॉस यहाँ पर नहीं है और वो किसी दूसरे क्लब में उसके, तो उसका क्लब यहाँ पर पीछे ही है। तो हमें वहाँ पर चल के जाना होगा और देखते कि उस बॉस से मिलते और देखते कि वो क्या कहता है। तो उसने ये बात उसे बता दी है, तो हमें वहाँ पर सिर्फ जाना है और उस बंदे से मिलना है। तो ओके यहाँ से हमें राइट लेना है और यहाँ पर ये रहा, उसके पीछे ही है। तो चलो यहाँ पर अपनी कार को पार्क कर देते और अंदर चल के उस बंदे से बात करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम तो अंदर आ चुके हैं, अब हमें उस बंदे को ढूंढना है वो कहाँ पर है। तो पहले हमें देखना होगा, इस बंदे से बात करके पूछ लेते कि वो कहाँ पर है। तो हमारी इस बंदे से तो बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि उसका बॉस यहाँ पर ही सामने बैठा है। तो हमें इससे बात करनी पड़ेगी और देखते हैं कि ये बंदा क्या कहता है। तो हमारी तो इस बंदे से बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि हमें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा और 20 मिलियन डॉलर इसे देने पड़ेंगे। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, फिर भी हम ये क्लब खरीदने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हमें अभी चलना है ईमैन के पास। तो अपनी कार यहाँ पर ही है, तो जल्दी से अपनी कार को निकलते और सीधा चलते ईमैन के पास, क्योंकि ईमैन का हमें वापस से एक बार कॉल आया था। तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम अपनी लोकेशन पर तो पहुँच चुके हैं और हमें ईमैन तो यहाँ पर ही मिलने वाला है, तो जल्दी से ईमैन से मिल लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ईमैन यहाँ पर कुछ डरा डरा सा है, इनकी बातें पहले सुन लेते हैं। तो हमें सारी बातें पता चल चुकी है। जो ईमैन कह रहा है कि उसके साथ जो कोई बंदे थे काम कर रहे थे वो सारे एलियंस थे, क्योंकि ईमैन के पास जो एलियंस वाली मशीन थी वो सेफ हाउस से चोरी हो चुकी है और वो बंदे ना ही ईमैन का कॉल उठा रहे और ना ही कॉल बैक कर रहे इसे। तो हमें अभी जाना है ईमैन के राइवल के पास, पर वहाँ पर जाने के लिए हमें एक प्रॉब्लम है। जो वहाँ के बंदे हैं वो ईमैन से बहुत ही नफरत करते हैं, तो हमें वहाँ पर जाकर पूछताछ तो करनी पड़ेगी। तो ऑलराइट, हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं, यहाँ से हमें राइट मोड़कर इस गली में, गली के अंदर जाना है। ओके हम अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। ओके यही बंदा ईमैन का राइवल है, तो हमें लगता है इन बंदों के साथ फाइट करनी पड़ेगी अब। तो ओके जेसन कह रहा है कि हम सिर्फ बात करने आए हैं, पर वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ओके इसके बंदे भी आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी और ईमैन को भी यहाँ पर हमें बचाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर इतने बंदे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं रहे है, और यहाँ पर एक ऊपर एक बंदा है, तो इसे भी मार देते हैं। तो ओके गाइस फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसका राइवल भी यहाँ पर है। तो देखते हैं कि ओके ये इसे मारने वाला है शायद से, नहीं ये सारे मामला बताने वाला है। तो देखते हैं कि क्या बताने वाला है हमें। There was some
new big player moving and shaking, we'd have heard about it. I'm telling you, man, it's friggin' aliens. It's not aliens. Did you not just hear all the things that he just said with his mouth? Everyone is disappearing. तो गाइज हमारे टाउन में एक बहुत बड़ी कंपटीशन होने वाली है और ईमैन मानने को तैयार नहीं है कि वो एलियंस ही है, एलियंस ही है। तो हमारे जेसन के लिए कह रहा है कि वो एलियंस नहीं है। तो गाइज आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे कि एलियंस सच में है या नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।